शॉप वाले ने आई थिंक सो कैमरा देख कर गए, उसने पैसा ही नहीं मांगा। हाँ जी, तो गौर फरमाइएगा, ठंड की शुरुआत हो चुकी है और आपका अपना काफ़ी समझ रहे हो ना, इस ठंड का बुरी तरीके से शिकार हो चुका है। सो ठंड लगने का पूरा श्रेय मैं अपने आप को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ही कारनामे की वजह से ये चीज़ हुआ है। तो देखो, अभी नहा धोवा करके तो रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा मूवी वगैरह देखने चलते हैं। तो फिर दिनों से हमें प्रेम भैया ने कॉल कर रखा है कि भाई कि चलो किसी दिन साथ में मूवी वगैरह देखते हैं। तो चलिए, आज काफ़ी दिनों के बाद टाइम मिला है, तो चलिए बाल वगैरह सेट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। सोन जी, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बाल भी हमने सेट कर लिया है, शर्ट भी पहन लिया है, घड़ी पहन लिया, जींस पहन लिया और वाइट शूज़ भी पहन लिया, देख सकते हो। ओके, वाइट शूज़ भी पहन लिया। तो अभी वक्त है हमारे मेन सदस्य को फ़ोन लगाने का, जो कि हमारे प्रेम भैया। देखते हैं आज वो हमारे साथ जाने के लिए सहमत हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनसे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पूछा है। रेडी तो हो चुके हैं, पूरा प्लान सेट है कि मूवी वगैरह देखने जाना, पर उनसे अभी तक रूबरू नहीं हुआ है। तो चलिए उनसे बात कर लेते हैं। और ये बाल मैं देख पा रहा हूँ यार, ये साइड वाला बहुत ही दिक्कत क्रिएट करता है यार, कितना वैक्स लगा लो कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी वक्त है प्रेम भैया को फोन लगाने का और उनसे प्रेम से बात करने का कि भाई वो आज जाना चाहते हैं कि नहीं। तो ये हमने डायल किया और ये रिंग हुआ, सुन रहे हो ना, रिंग हो रही है, आई होप सो उठा ले। हेलो। हेलो, हाँ प्रेम भैया। हाँ, कैसे हैं? बोलो। ठीक हूँ मैं। ठीक है, फ्री हैं आज घर पे? आज तो घर पे ही। अच्छा सर, घर पे बहुत सब बोल रहे थे भैया कि चलो मूवी वगैरह चलिए, चलते मूवी देख कर आते हैं, आज भी फ्री हैं, कोई वीडियो वगैरह बना भी नहीं है, तो अच्छा चलिए सोचे थे नजदीक चलते तो अच्छा रहता, क्योंकि उतना दूर जाके मतलब नहीं बनता, तो घर से ही चलते सामने, वही बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, अभी तो रेडी हो चुके हैं, 15-20 मिनट में आ जाते हैं, तो बेस्ट रहेगा ना। अच्छा अच्छा, सुनिए सुनिए सुनिए, आपके बुलेट नहीं चल रहा, तो ठीक है तो बुलेट नहीं चलते आज, है ना? चलिए ठीक है, मैं 15 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है, ओके। तो प्रेम भैया चलो ठीक है, आज तो फ्री है घर पे, तो उनके बुलेट से ही चलते यार, अपना मतलब स्कूटी निकाल कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले काम करते हैं, पेटीएम से टिकट बुक कर लेते हैं, क्योंकि यार वहाँ थिएटर में जाके टिकट बुक करना काफ़ी मुश्किल रहता है यार, उतना लंबा लाइन वगैरह लगो, उससे अच्छा यहाँ से बुक मारो, उसके बाद सीधे डायरेक्ट वहाँ पर बार कोड दिखाओ, अपना मामला सेट है। तो चलिए सबसे पहले ये चीज़ कर लेते हैं और डायरेक्ट उनके घर के पास ही आपको मिलता है। तो सभी हम लोग आ चुके हैं प्रेम भैया के घर और ये रहे हमारे प्रेम भैया। हेलो। तो इन्हीं का ये घर है और ये देखो उनका बुलेट, आज इनके बुलेट से ही चलने वाले हैं, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा रस रहता है और ब्लॉगर्स लाइफ को पता ही है कैसा दिक्कत वाला होता है, साथ में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। तो आज हमारे साथ देंगे प्रेम भैया और 1:30 का शो है, यानी कि 1:30 का शो है। और अभी टाइम एक बार बताइएगा थोड़ा कितना हो चुका है, टाइम हो चुका है 1:25, आई गेस आप देख पा रहे होंगे 1:25 और 1:30 में शो स्टार्ट हो जाना है, तो यही ब्लॉगर्स लाइफ पता ही है। चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं। Few moments later. तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गैलेक्सिया मॉल और अराउंड आपका भी जो है 2 बज ही चुका है, तो 1:30 का शो था और 2 बज चुका है और अभी हम लोग देखे जा रहे हैं, चलिए देखते हैं कैसा है। तो प्रेम भैया कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में आप? हम लोग काफी लेट से पहुंचे हैं, काफी ट्रैफिक था यहाँ पर ही, 2 बज चुके हैं अब, चलिए ठीक है। जो कि हम लोग पार्किंग कर चुके हैं हार्ले डेविडसन के बगल में, आप देख सकते हैं हार्ले डेविडसन के बगल में रॉयल एनफील्ड है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर में, ऊपर कहाँ जाइए, थर्ड। तो कुछ बोलना चाहेंगे? तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी लिफ्ट में हूँ और लिफ्ट में हैं हम लोग, और ये देखो टिकट हमारा यहाँ पे रहा और 2 बज चुके हैं, तो ठीक है सब बढ़िया है। सो
सो मूवी देखकर तो हमारा हो गया है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी हुआ है, और ये ट्रेजेडी हुआ है हमारे प्रेम भैया के द्वारा। आप ये देख सकते हो ये पर्टिकुलर बैग, इसके लिए इन्होंने एक पुर्जा दिया था हमें, तो मैंने तो वो संभाल कर रखा, और इनका एक हेलमेट था, हेलमेट भी इन्होंने ओके तो हेलमेट के लिए इन्होंने अलग पुर्जा लिया हुआ था। तो ये जो है अलग पुर्जा जो मिला था, वो अलग पुर्जा कहीं और पुर्जा चला गया, वो जो है भुला चुका है। तो अभी वो लोग बोल रहे हैं कि आप आधार कार्ड का जेरोक्स करवा के आइए, जो कि हम लोग करवा चुके हैं, करवा चुके हैं। अब जेरोक्स के जरिए हमें हेलमेट मिलेगा, तो चलिए आपको अपडेट दिखाते हैं आगे क्या अपडेट आता है। सो फाइनली गाइस, अभी हमारा हेलमेट मिल चुका है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी दिखा के, लाइए लाइए थोड़ा दिखाइए, ये आधार कार्ड का फोटोकॉपी दिखा के हमें मिला है। तो इसके ऊपर कुछ विशेष टिप्पणी हमारे प्रेम भैया देंगे, तो प्रेम भैया बोलिए। तो अपना आधार कार्ड जमा कीजिए और मनचाहा वहाँ से हेलमेट उठाइए, उसके बाद तो बस खत्म, हर कुछ नहीं, इतना ही है। सो वी आर हैविंग पेटीज नाउ, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मूवी का रिव्यू, तो मूवी तो ओके ओके है, आधा घंटा तो लेट पहुँचे थे आप सभी लोगों को पता है, और प्रेम भैया भी देखो अभी पेटीज वगैरह खा रहे हैं, और ट्रेजिडी पे ट्रेजिडी हो ही जा रहा है। अभी देखो हम लोग पेटीज लेकर के आए हैं वहाँ पे शॉप है, तो शॉप वाले ने आई थिंक सो कैमरा देख कर गए, उसने पैसा ही नहीं मांगा, ऐसे भी पैसा तो देने जाएंगे पर वैसा बात नहीं है, पर लेकिन उसने पैसा मांगा ही नहीं लिटरली। तो देखो कैमरा का दबदबा ऐसा होता है, जोक सपाट। प्रेम भैया को कैसा मूवी लगा भैया बताएं? मूवी तो ओके ओके था एकदम, हम लोग बाला बाला बोले गाने पे हम लोग पहुँचे, उसके बाद से हम लोग देखा, वहाँ से स्टार्ट किया मूवी। मूवी 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 लेकिन अच्छा लगा, लेकिन आधा घंटा लेट पहुँचे उसका थोड़ा सा मलाल है, पर कोई बात नहीं, अभी पेटीज खा रहे हैं, पैसा जा करके देना है, उसके बाद चलिए फिर आगे एक अपडेट हमको देते हैं। सो हो गया हम लोग आज का दिन ख़त्म, मूवी देख लिए, खाना पीना भी खा लिए, अभी जस्ट जा रहे घर, क्योंकि थोड़ा बहुत काम है। ऑल्दो 4-5 बज ही गया है, और घर से निकले थे आपका 12 बजे समथिंग निकल ही गए थे, घर आते ही काफ़ी लेट हो गया। तो अभी जो है जिस चीज़ के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेंस, मैजिक लेंस, घर जा कर के बताते हैं कैसा होगा। और प्रेम भैया मूवी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? मूवी तो एक नंबर थी, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया। अच्छा दिन बिता कर कैसा लगा, मज़ा आया मेरे साथ? पूरा मज़ा आया एकदम, हम लोग मज़ा किया, मस्ती की है, मस्ती की है। तो चलिए प्रेम भैया को भी मस्ती आया, हम लोग को भी मस्ती आया, आप लोग को भी आई थिंक सो आया ही होगा। तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं घर, और घर में दिखाते हैं डायरेक्ट लेंस, चलिए। रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो? हाँ सो यही हमारा मैजिक लेंस, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अभी जो है फ्रेम थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि मैंने जो कैमरा को है एक ट्राइपॉड में फिक्स कर लिया है, ताकि अच्छे से आपको बता पाऊँ कि इससे जो है मैजिक लेंस क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो ये लेंस है कैनन का, कैनन का आप देख रहे हो, ये है 10-18 mm वाला हमारा लेंस। तो इसका खासियत ये है, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये खाली बॉक्स है और कुछ नहीं, बस दिखाने के लिए ऐसा आया होता। सो अब जो है थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाइएगा, क्योंकि मैं आपको इस लेंस का इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि एक ब्लॉगर के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी जो देखो आप ये फ्रेम बन रहा होगा, इस फ्रेम में ज़्यादा करके जो है मेरा फेस दिख रहा है ना, ज़्यादा करके फेस दिख रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि जब मैं बाहर ब्लॉग करता हूँ तो ज़्यादा करके मेरा फेस दिखता है, ना कि बैकग्राउंड ज़्यादा दिखता है। लेकिन इस लेंस का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी मैं इसे वाइड करूँगा, तो यहाँ पर देखो मैं जस्ट यहीं पर खड़ा हूँ, लेकिन एरिया जो कवर हो रहा है आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, तो मतलब कितना सही हो जाएगा। अब जो हम लोग ब्लॉगिंग करेंगे तो हमारा जो है जो एरिया जो कवर होगा वो काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर होगा, और जो है ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पहले क्या होता था, पहले हमारा लेंस इस पर फिक्स होता था, तो इससे क्या होता था कि जब मैं ऐसे ब्लॉग करता था ये इस टाइप से, तो ज़्यादा करके जो है बस फेस ही दिखता था। लेकिन अब जो है मैं ब्लॉग करूँगा तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एरिया कवर होगा, जिससे जो है ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा ब्लॉग देखने में। सो इस वजह से मैंने इसे जो है मैजिक लेंस का नाम दिया है, क्योंकि एक ब्लॉगर के लाइफ में ये लेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गेम चेंजर लेंस होता है, एक ब्लॉगर को ये लेंस तो हमेशा यूज़ करना ही चाहिए। तो इसको मैंने परचेस किया है कैनन के स्टोर से ही जाकर के परचेस किया है, समथिंग मेरे को 18,000 समथिंग का ये पड़ चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं भाई यूट्यूब चैनल में, तो यही है, चलो कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन सब चीज़ों में, जो इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए ताकि ब्लॉग की क्वालिटी अच्छी बन पाए, दिन ब दिन हमें बढ़ते जाना है। तो यही थी आज का ब्लॉग, शॉर्ट एंड सिंपल था, जैसा भी लगा अगर
पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जरूर जरूर सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि आज हमारा दूसरा ब्लॉग था। पहला ब्लॉग भी मैंने अपलोड किया, काफ़ी अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिला था, तो ये हमारा दूसरा ब्लॉग था। तो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।